हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद निशमन. बच्चे, वी वर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड येस्टरडे वी डिड इट्स फीचर्स एंड वेयर फ्रॉम वेयर दोज फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम. वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट दैट. टुडे लेट्स कंटिन्यू द सेम टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो बच्चे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह के का सिस्टम अडॉप्ट करता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं. राइट, देखिए, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स. राइट, हमारे जो जितने भी कंट्रीज हैं उनमें दो तरीके की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी. फर्स्ट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट बच्चे, हर कंट्री में ईदर यू विल गेट यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म. सो यू शुड नो अबाउट इट द मीनिंग. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बच्चे? इन इट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, पावर जो होती है वो बोथ यूनियन गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में है. वी अडॉप्ट थ्री काइंड ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, विच इज़ गिवन इन सेवन्थ शेड्यूल. राइट बच्चे, सो दिस इज काइंड ऑफ फॉर्म इज फेडरल वन. देन कम टू द यूनिटरी वन. यूनिटरी में क्या होता है, पावर्स आर कंसर्न या कंसनट्रेटेड एट नेशनल लेवल और यूनियन लेवल. राइट, यहाँ पर जो भी मेन पावर्स होती हैं बच्चे, वो सिर्फ एक सिंगल लेवल के पास होती है. देर इज़ नो डिसेंट्रलाइजेशन. हेयर वी अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन मेथड. सो यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे जो होती हैं, वहाँ पर सारी पावर्स उन्हीं की हाथों में होती है. अब आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट बच्चे, तो इसमें क्या है, विद फेडरल सेटअप है ना, जो हमारा सेटअप है वो फेडरल है. कुछ कुछ हम फेडरल को ही अडॉप्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के सी वायर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर. अगर हम पढ़ें बच्चे, जो हमारे के सी वायर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बोला था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये टर्म दी थी, दैट इज क्वासी फेडरल. ठीक है, द टर्म जो फेडरलिज्म है बच्चे, फेडरल है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड फेडस. राइट, इस टर्म को कहाँ से डिराइव किया गया है, फेडस, विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट. देर इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री. राइट, जब भी किसी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली देयर इज एन एग्रीमेंट. और जो वो एग्रीमेंट होता है, दैट इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री. तो हम जब भी किसी कंट्री के एग्रीमेंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो वी कैन फाइंड आउट वेदर देयर इज फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट बच्चे, सो इफ देयर इज गवर्नेंस इन एनी कंट्री विच डिफाइंस ड्यूल पॉलिटी और गवर्नेंस एट टू टायर्स, लाइक यहाँ पर है टू सिस्टम, टू लेवल्स हैं, वन एट नेशनल लेवल एंड अदर एट स्टेट लेवल, एंड देयर आर प्रोविजंस ऑल्सो कि डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे हमारे यहाँ पर है लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है. ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. राइट, तो हम जो इंडिया है, इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है बच्चे, दैट इज़ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. जो आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा ना फेडरलिज्म का, परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जहाँ पर है, दैट कंट्री इज़ यूएसए. ओके, यूएसए अडॉप्ट द कंप्लीट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, सो अब बच्चे हम ये पता लगाएंगे कि क्यों इंडिया को क्वासी फेडरल बोला गया है. व्हाई वी हैव अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट्स नॉट द परफेक्ट वन. राइट, तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो अभी तक रह गए हैं, हमें पूरा फेडरल बनने नहीं दे रहे. राइट, हम पूरे फेडरलिज्म कंट्री में क्यों नहीं आते हैं. सो लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फीचर्स ऑफ
फेडरलिज्म। और इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक कवर होने वाला है, दैट इज़ नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम साथ साथ देखते जाएंगे कि जो फीचर फेडरलिज्म के हैं क्या वही इंडिया के हैं कि नहीं, साथ साथ वो हमारे क्या बन जाएंगे नेचर। सो पे योर कंप्लीट अटेंशन। लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट फीचर, दैट इज देयर मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म का जो होता है वो क्या होता है बच्चे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप बताइए क्या हमारी कंट्री के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? डू वी हैव दैट? सो येस वी हैव दिस। दैट्स वाई ये वाला जो ये फीचर है ये हम फेडरल का कंप्लीटली अडॉप्ट करते हैं। जिस जिस पॉइंट के आगे मैं टिक लगाती जाऊंगी वो समझना, येस वी आर फॉलोइंग दैट फीचर। राइट बच्चे, हमारे डीडी बसु एक और साइंटिस्ट रहे हैं पॉलिटिकल, ही सेड इंडिया नीदर हैव फेडरल नॉट हैव यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने साफ कह दिया था वी हैव क्वासी फेडरल। राइट, हम कंप्लीटली फेडरल भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं करते हैं। सो ये आपको पता लगेगा जब हम धीरे धीरे इन पॉइंट्स को पढ़ने जाएंगे। सो फर्स्ट इज फेडरलिज्म का फर्स्ट क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, येस वी हैव। कम टू द सेकेंड, फेडरलिज्म में हमने किसकी बात की थी, देर इज डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर ये की थी बच्चे। क्या इंडिया अडॉप्ट करता है डिवीजन ऑफ पावर? येस येस वी डू। हाउ? वी हैव डिफरेंट पावर्स एट यूनियन लेवल, देन डिफरेंट पावर्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इवन दो वी हैव लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायत्स इन विलेज। सो येस वी कंप्लीटली फॉलो दिस फीचर। बच्चे आपका डिटेल में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस द डिविजन्स ऑफ पावर इन इंडिया, तो आपको वो कैसे लिखना है, यू हैव टू गिव दैट वी फॉलो थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, नेशनल जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। देखिए मैं आपको फीचर्स के साथ साथ कैसे क्वेश्चन लिखना है वो सब बता रही हूँ। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम शेयर्ड लिस्ट भी बोल देते हैं, शेयर करती हैं जिसमें दोनों स्टेट एंड द थर्ड वन इज स्टेट लिस्ट। राइट, यही तीन लिस्ट है वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो जो नेशनल लिस्ट है, देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, मीन्स ये वो जोन है जिसके डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। राइट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर है, इस ये लिस्ट से रिलेटेड जितने भी हेड्स हैं उनकी पावर लेना। द वेरी फर्स्ट इज व्हेन डिक्लेयर वॉर, वॉर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मेजर्स होंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी टेकन बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इज आर्म्ड फोर्सेस मेंटेनेंस देयर, ओके, देन रेगुलेट इंटर स्टेट एंड फॉरेन ट्रेड, ओके, फॉरेन ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स। एडमिट न्यू स्टेट्स, ओके, न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन, वो भी पावर किसके पास है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन इस्टेब्लिशेज पोस्ट ऑफिस। सो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा रही ताकि आपको पता लगे कि कौन से डिसीजन हैं जो सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही स्कोप में आती हैं। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स, राइट, दे सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वेट्स एंड मेजर्स। देन इज कॉइन मनी, राइट बच्चे, ये सब इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं दैट इज टेकन बाय अवर यूनियन गवर्नमेंट। इस्टेब्लिशेज फॉरेन पॉलिसी, ओके, सो आई होप नाउ यू हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कवर इन यूनियन लिस्ट। देन कम्स योर, लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्टेट लिस्ट, जो कंप्लीटली जिन पे होल्ड स्टेट गवर्नमेंट का होता है, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। राइट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपने पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्कूल्स वगैरह होंगे उनके मेंटेनेंस एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के होल्ड में रहेगी। राइट, देन दे आल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो भी लोकल लेवल गवर्नमेंट होती हैं उनके भी इलेक्शंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देम दैट इज
गोइंग टू बी टेकन केयर बाय स्टेटलेस अ स्टेट गवर्नमेंट. देन इज रेगुलेटिंग द बिजनेस विद इन द स्टेट. विद इन स्टेट जितने भी बिजनेसेस होंगे उनके लिए भी सारे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी. मैरिज लॉज ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का. प्रोवाइड फॉर पब्लिक सेफ्टी, राइट बच्चे, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, ये सब भी मेजरमेंट्स कौन लेते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी. नाउ कम्स टू द कंकरेंट या शेयर्ड लिस्ट, राइट. ये होती है इसमें जिसमें बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कम टुगेदर टू टेक डिसीजंस जॉइंटली. तो इसमें जॉइंट डिसीजंस होते हैं, राइट. इसमें क्या होगा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों साथ में आके इसको करें, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. देन इज लेवाई टैक्सेस, बोरो मनी कि स्टेट से कैसे, ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स का डिसीजन रहता है. देन चार्टर बैंक्स, बैंक्स से रिलेटेड जितनी भी उनकी मेंटेनेंस एस्टेब्लिशमेंट होगी ये भी दोनों गवर्नमेंट एग्रीमेंट पे बात करके करती हैं. देन कोर्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, देर मेंटेनेंस, प्रोवाइड फॉर पब्लिक वेलफेयर, राइट. ये दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि टू टेक केयर ऑफ पब्लिक वेलफेयर. तो अब आपको समझ में आया कैसे हमारे यहाँ पावर डिवाइडेड है. एक बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चे, हर पॉइंट को एक पर्टिकुलर लिस्ट में डाला गया है सो दैट देयर इज़ नो क्लैश बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड दे शुड वर्क प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंगली टू देयर जोन. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. वी हैव डिस्कस टू, फर्स्ट वन वॉज रिटन डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड वन वॉज डिवीजन ऑफ पावर्स एंड दीज बोथ फीचर्स वी आर हैविंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन द थर्ड फीचर दैट वी शेयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. आज के टाइम का बहुत हॉट टॉपिक है बच्चे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली इसके सपोर्ट में है दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट. सो जुडिशरी मस्ट नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. देयर कैन बी सो चेक एंड बैलेंस, यही हो सकता है ना. और हमारे इंडिया में क्या ये फीचर है? येस वी डू हैव, वी हैव हेयर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. सो इवन आर्टिकल 50, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट कम इन पावर ऑफ जुडिशरी. आर्टिकल 50 कंप्लीटली प्रिस्क्राइब्स, क्लियरली प्रिस्क्राइब्स दिस. सो रीड, सो आप यहाँ पे आर्टिकल 50 का कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं. ओके, तो हम ये फीचर भी अडॉप्ट करते हैं. नाउ कम्स टू योर द थर्ड फीचर दैट, सॉरी फोर्थ वन, दैट इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट. अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अल्टीमेट जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा अबाउट एनीथिंग, डिवीजन ऑफ पावर से हो, वट एवर इट इज, सुप्रीम अथॉरिटी इज ऑफ वट एवर रिटन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन इंडिया ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रीटेड एज द सुप्रीम और बेसिक लॉ ऑफ इंडिया. सो वी ऑल्सो अडॉप्ट दिस फीचर. हम इंडिया में इसके बिल्कुल कंप्लीट फेवर में है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ऑफ ऑल अदर्स थिंग, राइट. सो येस वी अडॉप्ट दिस फीचर. तो अभी तक हमने देखे हैं जितने भी, हम फेडरल फीचर्स को ही लेते आ रहे हैं, टिल नाउ हम फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट. द फिफ्थ फीचर्स दैट कम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्यूअल सिटीजनशिप, राइट. ड्यूअल सिटीजनशिप, जो फेडरल कंट्री होती है, जो कि हमने यूएसए का बेस्ट मॉडल लिया है बच्चे, वहाँ पर हर सिटीजन के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है. ओके, फेडरलिज्म में एक सिटीजनशिप सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर होती है, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे दें, अमेरिका में दो सिटीजनशिप होती है, वन इज ऑफ यूएसए एंड द अदर वन इज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. जो भी उस स्टेट में रह रहा होगा उसको उस स्टेट की मिल जाएगी सिटीजनशिप, राइट. तो अब आप बताइए कि इंडिया में भी ऐसा है,
डू वी हैव ड्यूल सिटीजनशिप, जैसे कि अगर एक सिटीजन है, एक तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा और एक वो हरियाणा का सिटीजन माना जाएगा, क्या ऐसा है? इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, रिमेंबर दैट, एंड दैट सिटीजनशिप इज इंडियन ओनली, वी ऑल आर इंडियन एट लास्ट, राइट? तो हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है. सो बेसिकली क्या हम ये फीचर अडॉप्ट करते हैं? नो, हम यहाँ पर इस फीचर को अडॉप्ट नहीं करते हैं. दैट्स वाई इसी फीचर की वजह से हम कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है, राइट? दैट्स वाई इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, वी हैव क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया बच्चे? ड्यूल सिटीजनशिप की वजह से. नाउ कम टू अदर फीचर्स. हम जब फीचर्स डिस्कस ही कर रहे हैं तो सारे फीचर्स डिस्कस करते हैं. द सिक्स्थ वन इज बाइकैमरलिज्म. बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसंसदीय व्यवस्था. एक हाउस नेशनल लेवल पर होता है और एक हाउस, राइट, हाउस को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, लाइक इन अमेरिका अपर हाउस इज कांग्रेस एंड द लोअर हाउस इज सेनेट. ऐसा ही है बच्चे, इन इंडिया वी टू हैव बाइकैमरलिज्म, दैट इज वन इज लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा. यही है बच्चे, एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन है. सो यस, वी हैव बाइकैमरलिज्म, वी ऑल्सो अडॉप्ट दिस फीचर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरल फेडरलिज्म, दैट इज रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसको बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट नोट भी आ जाता है इस पे और बहुत इम्पोर्टेंट है. इस फीचर के अकॉर्डिंग आप देखना, डू वी कंप्लीटली आर फेडरल और नॉट. रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं बच्चे? बिकॉज जो अल्टीमेट इंटेंशन थी हमारे फाउंडर्स की, हमारे फाउंडिंग फादर्स की, राइट, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता. ये थी, फेडरल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड होना पड़ेगा. रिजिड, राइट? रिजिड मीन्स देर कैन नेवर बी एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस और भी टफ होता है अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो. सेंटर या स्टेट अकेले चेंज नहीं कर सकती. जो मैटर तीनों लिस्ट में नहीं हो आते हैं वो रेजिडरी पावर हो जाती हैं. रेजिडरी पावर्स बोल देते हैं ना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो ऐसा है हो कि रिजिड ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर में ले लेगी, राइट? इंडिया में इतना रिजिड नहीं है बच्चे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं है, राइट? सो वी नॉट एडॉप्ट दिस, राइट? तभी इतनी सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं. कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? हम 42nd अमेंडमेंट पढ़ते हैं, 46th अमेंडमेंट पढ़ते हैं. सो देर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स वी हैव डन टिल नाउ, बट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट एज सोसाइटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, राइट? चेंजिंग इन्वायरमेंट है बच्चे, दैट्स वाई देर इज ऑलवेज अ नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली, राइट? इंपॉर्टेंट मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत रिजिड है. कहने को ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को चेंज करते जा रहे हैं, नहीं, जो चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज करनी पड़ेगी उसी को हम चेंज कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे फीचर्स अब आपने देखे. अब क्या आती है बात बच्चे, लास्ट में हमारे यहाँ बहुत बहस हुई कि वेदर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर्स आर स्टिल अंडर द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड कि फेडरलिज्म का असेंशियल फीचर तो यही होता है कि डिवीजन ऑफ पावर. सबसे पहले मैंने जो आपको चार्ट बनाया था वो वही था ना, फेडरलिज्म मीन्स वेयर देर इज अ डिवीजन ऑफ पावर एंड इट इज अल्टीमेटली गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर डिवाइडेड अमंग यूनियन एंड स्टेट लेवल. सो सेंट्रल एंड द स्टेट्स आर को इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारा स्ट्रक्चर था इंडिया का, दैट इज फेडरल. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा दैट वी अडॉप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो इससे क्या पता चला बच्चे कि वी इंडियंस थिंक दैट वी आर अडॉप्टिंग द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इफ वी स्टडी एज कम्पेयर टू द ऑलमोस्ट टोटल फेडरल कंट्रीज, वी स्टिल लैक इन सम पार्ट्स. दैट्स वाई वी आर नॉट कम्प्लीटली फेडरल, वी आर क्वासी फेडरल एंड इन द स्टेज ऑफ मूविंग कम्प्लीट फेडरल. हम उस स्टेज पर जा रहे हैं जब हम कम्प्लीट फेडरल हो जाएंगे. ओके,
अब अमेरिकन और इंडियन सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे जब डिफरेंस चल ही रहा है, वी आर स्टडिंग बोथ दी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स टुगेदर, सो लेट्स डिस्कस द मेजर डिफरेंस ऑल्सो. जो हमारा आर्टिकल 1 है बच्चे, जिसको हम आगे रीड करेंगे, आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? और यू कैन से ग्रुप ऑफ स्टेट्स, राइट? हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स. इन अमेरिका स्टेट्स हैव राइट टू गेट सेपरेट फ्रॉम अमेरिका. ओके, ये चीज़ देखिएगा बच्चे. अमेरिका में जो अमेरिका में भी यूएसए में पढ़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो स्टेट्स दी गई हैं उनके पास कंप्लीट राइट है कि वो अमेरिका से कंप्लीटली सेपरेट हो सकती हैं. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट सो. ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी स्टेट्स हैं, लाइक पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राइट, एमपी है, वो अलग से ही कंट्री बना ले, वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए इंडिया से. कैसा है? नो, नॉट एट ऑल. इवन आर्टिकल 3 सेज पार्लियामेंट हैज़ पावर टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, राइट? हमारे पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 में पावर है, पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स, राइट? तो दस हमें क्या पता चला बच्चे, ध्यान से देखिएगा, दैट अमेरिका में डिस्ट्रक्टिबल यूनियन है. डिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, राइट? स्टेट्स को आप नहीं तोड़ सकते, बट स्टेट खुद को यूनियन से तोड़ सकती हैं. यही पढ़ा है ना मैं हमने अभी जस्ट, कि अमेरिका से अलग हो सकती हैं बट स्टेट्स को आप खुद से बाइफरकेट नहीं कर सकते. सो देयर इज डिस्ट्रक्टिबल यूनियन. यूनियन डिस्ट्रक्ट हो सकती है बट स्टेट डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती. वेयर एज इंडिया में क्या है बच्चे, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इट. वी हैव इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, राइट? आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते, इंडिया को नहीं तोड़ सकते हो, राइट? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से उनका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. वी जस्ट रेड दैट, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. डिफरेंस समझ में आया बच्चे? अभी हमारा रिसेंट एग्जाम्पल था, जो आंध्र प्रदेश स्टेट थी उसको उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया ना, तेलंगाना को अलग कर दिया उसे, तेलंगाना स्टेट इज़ नाउ डिफरेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. सो दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. सो आई होप आई एम क्लियर. दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड हाउ आवर कंट्री इज नॉट कम्प्लीटली फेडरलिज्म, राइट? फेडरल कंट्री. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. गिव अ रीडिंग टू ऑल दिस पॉइंट्स, ओके? मेक देम वेल सेटल्ड इन योर माइंड. टिल देन गुड बाय. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून. थैंक यू.